हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने वीवो T3S डिवाइस के अंदर जो डाटा से होता है उसको हम कैसे इनेबल मतलब कर सकते हैं। तो इस डाटा से इनेबल करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, सेटिंग्स ऑप्शन को ओपन कर देना है। सिंपली सेटिंग्स ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। तो ये सेटिंग्स को हमने ओपन कर लिया। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। तो सिंपली गाइस आपको करना है डाटा सेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाटा सेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको ऑफ का ऑप्शन शो होता होगा। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो डाटा सेट ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। इनेबल होने के बाद आपको अगर किसी ऐप के डाटा सेवर को ऑन करना है तो गाइस उसको भी आप बड़े इजीली कर सकते हो। सिंपली गाइस आपको करना है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस यहाँ से आप बहुत सारे मतलब किसी भी ऐप पे आपको डाटा सेवर ऑप्शन इनेबल करना तो कर सकते हो। जैसे हमने कैंडी क्रश पे कर देना है, सिंपली हमने कैंडी क्रश पे कर दिया है। गाइस यहाँ पर हमारा जो डाटा सेवर ऑप्शन है वो मतलब लग चुका है। तो इस तरीके से अपने डाटा सेवर को लगा सकते हो अपने वीवो T3S डिवाइस के अंदर। और गाइस अगर ऑफ करना है तो इजीली गाइस ऑफ भी हो जाता है। सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करना है। क्लिक करने आपके जो डाटा सेट ऑप्शन है वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने डाटा सेट ऑप्शन को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं अपने वीवो T3S डिवाइस के अंदर। तो गाइस यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गाइस बहुत बहुत थैंक यू गाइस। तब तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।